सुप्रभात प्यारे बच्चों, हिंदी की ऑनलाइन कक्षा में आपका स्वागत है। हिंदी की आज की कक्षा के लिए आप अपनी टिमटिम बुक निकालिए और हिंदी की 5 लाइन की कॉपी निकालिए। उसी के साथ साथ अपनी पेंसिल, इरेजर, ये सारा कुछ आप अपने साथ लेके बैठिए और अब सबसे पहले आप हिंदी की टिमटिम बुक को ओपन कीजिए। बच्चों, पिछली कक्षा में हमने उ से उल्लू, ऊ से ऊन एवं री से ऋषि का रिविजन किया था। अब आज की कक्षा में हम दो नए स्वर पढ़ने वाले हैं, जिसमें से एक है ए से एड़ी। क्या है? ए से एड़ी। और अगला है ऐसे ऐनक। ऐसे ऐनक, ऐनक तो आप सब ने देखा होगा, अपने आंख में लगाते हैं हम ना। और एड़ी कहाँ होती है? आपके पैर में का जो ये नीचे का हिस्सा होता है, ये जो दिख रहा है ना, चेक करिए अपने पैर में सब, ये है एड़ी। और ये किस अक्षर से आती है? ए से। तो ए से एड़ी और ऐसे ऐनक, इन्हीं दो अक्षरों को आज हम अच्छे से पढ़ेंगे। ए से एड़ी एवं ऐसे ऐनक को कॉपी में लिखने से पहले हम एक बार पहले के सारे स्वरों का रिवीजन करेंगे। तो पिछले हमने क्या कौन कौन से स्वर पढ़ लिए हैं? सबसे पहले हमने पढ़ा था अ से अनार, अ से अनार, आ से आम, आ से आम, अ आ। उसके बाद इ से इमली, ई से ईख, इ से इमली, ई से ईख, ई। उसके बाद उ से उल्लू, ऊ से ऊंट, ऊ से ऊन भी होता है और ऊंट भी होता है, ठीक है? तो उ ऊ। और लास्टली हमने कौन सा पढ़ा था आखिरी में? री, री से ऋषि। इसी के साथ साथ हमने एक गीत भी किया था, कौन सा? आ से अनार और आ से आम, जल्दी कर लो पूरे काम, इ से इमली, ई से ईख, कभी न भूलो अच्छी सीख, उ से उल्लू, ऊ से ऊंट, मम्मी मिटाती हमारी भूख। अब रि से ऋषि के बाद जो हम नए स्वर आज करने वाले हैं वो है ए से एड़ी और ऐसे ऐनक। आपके पास ऐनक है क्या? तो हम कौन कौन से अक्षर पढ़ने वाले हैं आज? ए से एड़ी और ऐसे ऐनक। ए से एड़ी, ऐसे ऐनक, तुम्हारी हंसी से होती रौनक। चलिए अब हम सब लोग अपनी हिंदी की कॉपी ओपन करेंगे। तो बच्चों, कॉपी ओपन कर लिया आपने? पिछली कक्षा में हमने पहले रि से ऋषि को लिखा था पूरे पेज में, उसके बाद उ ऊ और ऋषि का रिवीजन किया था। आपने लिखा था ना पूरे पेज में उ से उल्लू, ऊ से ऊन और रि से ऋषि। तो अब आज हम क्या लिखने वाले हैं? ए से एड़ी और ऐसे ऐनक। तो पेज को पलटिए, टर्न करिए पेज को। और सबसे पहले हम क्या करते हैं, आपको भी याद होगा कि सबसे पहले हम डेट डालते हैं। तो आज की डेट डालिए। आज की डेट क्या होगी? 11/11 लिखिए, 1/1/11। उसके बाद हम लिखेंगे 6, उसके बाद 2/0/2/0, ठीक है? डेट डालने के बाद अब हम यहाँ लिखेंगे HW, क्योंकि ये वर्क आपके लिए क्या है? होमवर्क है, इसलिए हम लिखेंगे HW टॉप में, ठीक है? तो आपकी कॉपी में कितनी लाइन है? 1, 2, 3, 4, 5। टोटल कितनी लाइन है? 5। तो क्या हम इन पूरी 5 लाइन में लिखते हैं? नहीं। कितनी लाइन में हम एक अक्षर को लिखते हैं? बीच की 3 लाइन्स में। तो सेकंड वाली लाइन से दूसरी लाइन से हम स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले हम बनाएंगे एक स्लीपिंग लाइन, मीन्स पड़ी रेखा, ऐसे, ठीक है? उसके बाद हम ऐसे जैसे आ के लिए कर्व बनाते थे ना, ऐसे कर्व बनाएंगे और फिर इसको ऐसे टर्न कर देंगे। इतना करने के बाद हम इसको यहाँ से ज्वाइन कर देंगे। ये हो गया हमारा ए से एड़ी। एक और बार बना लेते हैं।
पहले स्लीपिंग लाइन मीन्स पड़ी रेखा ऐसे, उसके बाद ये हो गया ए से एड़ी। एक और बार बना लेते हैं, ये हमने क्या लिख लिया ए से एड़ी। पहले आप सारे अक्षरों को लिखना सीख लीजिए, फिर हम इनके चित्र भी बनाएंगे, ठीक है। तो आपको एक लाइन में कितने बार लिखना है, तीन बार, तीन अक्षर आपको एक लाइन में लिखना है, और इसी तरह से इसको आप पूरे पेज में लिखेंगे, ठीक है। तो ए से एड़ी। अब हम अगले पेज में आते हैं और अगले पेज में हम फिर से डेट डालते हैं। क्या डेट है, 11 लिखा हमने, अब हम लिखेंगे 6, उसके बाद हमें लिखना है 2020। ये हो गई हमारी आज की डेट। इसके बाद हम इस पेज में भी HW लिखेंगे, क्योंकि ये वाला पेज भी हमारे लिए होमवर्क होने वाला है। तो HW मीन्स होमवर्क, ठीक है। तो ऐसे ऐनक बनाना, ऐसे ऐनक बनाना बहुत ही आसान है। जैसे हमने ए से एड़ी लिखा, पहले तो हमें ऐसे ही बनाना है और उसके बाद बस एक मात्रा लगा देना है। तो हम कैसे बनाएंगे, सबसे पहले हमें क्या करना है, बिल्कुल ए से एड़ी की तरह स्लीपिंग लाइन बना देनी है, पड़ी रेखा, उसके बाद हमें ऐसे टर्न करना है और फिर ये बन गई हमारी ए से एड़ी। अब ऐनक बनाने के लिए बस इसमें हमें एक मात्रा लगा देनी, और ये मात्रा ही सिर्फ रेड लाइन तक टच होनी चाहिए, इससे ऊपर नहीं जानी चाहिए, ठीक है। फिर से लिख लेते हैं, पहले पड़ी रेखा मीन स्लीपिंग लाइन, अब इसके बाद हमें क्या करना है, ऐसे बनाया हमने, इसके बाद हमने इसको ऐसे टर्न किया और ये लगा दी हमने मात्रा, ऐसे ऐनक। ऐसे ऐनक। तो बच्चों आज के वीडियो में हमने दो नए स्वर सीखे हैं, जिसमें से पहला है ए से एड़ी, क्या है ए से एड़ी, और दूसरा है ऐसे ऐनक। ए से एड़ी ऐसे ऐनक, तुम्हारी हंसी से आती रौनक। तो इन दोनों स्वरों को आपको पूरे पेज में लिखना है। एक बार हम फिर से सारे स्वरों को दोहराएंगे, अ से अनार, आ से आम, इ से इमली, ई से ईख, उ से उल्लू, ऊ से ऊंट, रि से ऋषि, ए से एड़ी, ए से ऐनक, अ आ, इ ई, उ ऊ ऋषि, ए ऐ। आ से अनार और आ से आम, जल्दी कर लो पूरे काम, ई से इमली, ई से ईख, कभी न भूलो अच्छी सीख, ऊ से उल्लू, ऊ से ऊंट, मम्मी मिटाती हमारी भूख, फिर री से ऋषि, ए से एड़ी, ऐसे ऐनक, तुम्हारी हंसी से आती रौनक। तो यहाँ पे हमने क्या क्या देखा, ए से एड़ी, देखते हैं एड़ी बनाते कैसे हैं, ठीक है। तो सबसे पहले ये देखिए, पहले हमने एक स्टैंडिंग लाइन खींच के इसको ऐसे टर्न किया, फिर यहां से हमने एक और लाइन खींच के इसको ऐसे टर्न किया, ऐसे होते ना हमारे पैर, और ये हो गई हमारी एड़ी। क्या हो गई ये एड़ी, ये है हमारे लिए ए से एड़ी, ये है एड़ी। अब हम बनाएंगे ऐसे ऐनक, पहले ऐसे ऐनक लिख लेते हैं, स्लीपिंग लाइन बना देते हैं, पड़ी रेखा, उसके बाद हम इसको ऐसे कर लेते हैं यहाँ से, अब इसमें लगा देते हैं मात्रा, ठीक है। ऐनक तो आप सबने देखा होगा, तो ये हो गया इसका फ्रेम, ये अभी मैंने ऐसे रफली बनाया है, ठीक है। तो ये हो गया आपका ऐसे ऐनक।
ए से एड़ी, ऐसे ऐनक, ए से एड़ी और ऐसे ऐनक, ठीक है। तो आपको क्या करना है, आपको ए से एड़ी और ऐसे ऐनक को पूरे पेज में लिखना है, ठीक है। लेकिन सिर्फ पेज की तीन लाइन में लिखना है, ऊपर नीचे नहीं लिखना है, और एक लाइन में सिर्फ तीन अक्षर ही लिखना है। तो ए से एड़ी और ऐसे ऐनक को पूरी कॉपी में लिखिए, होमवर्क करके इसकी फोटो खींच के फिर मुझे भेजिए। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।